महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले एवं उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के उद्देश्य से आज रामगढ़ में सखी वन स्टॉप सेंटर के भवन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। जिले की महिलाओं को सामाजिक एवं न्यायिक सुविधा प्रदान करना इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। विधायक ममता देवी ने कहा कि इस केंद्र में महिलाओं को हर तरह की सुविधाएं देने के साथ ही उनके 5 दिनों तक रहने व खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि रामगढ़ के कोठार क्षेत्र अंतर्गत जेल मोड़ के समीप नव निर्मित वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी के द्वारा पूजा अर्चना व नारियल फोड़ने के उपरांत फीता काट कर किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि रामगढ़ जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर का अपना भवन होना बेहद ही गर्व की बात है। नव निर्मित भवन के पूर्व वन स्टॉप सेंटर रामगढ़ के मुराम कला स्थित पंचायत भवन से चल रहा था, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, सुरक्षा, कानूनी सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। अब जब वन स्टॉप सेंटर का अपना भवन बन गया है तो और भी प्रभावी रूप से कार्य होगा। सेंटर पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से लगभग 28 मामले सामने आए हैं, जिन पर गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए 25 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है एवं 3 का निष्पादन करने हेतु तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर का आज विधिवत यहां उद्घाटन किया गया और साथ ही ये सेंटर पहले भी मुराम कला में चल रही है, जहां पे कई ऐसी हमारी पीड़ित महिला बहनें हैं जिनकी सुरक्षा के लिए ये सेंटर खोला गया है। और इस सेंटर में 5 दिन तक रखा जाता है महिलाओं को, उन्हें कानूनी सलाह दी जाती है, स्वास्थ्य संबंधी सारी चिकित्साएं दी जाती है, सारी सुविधाएं यहाँ दी जाती है और 5 दिन रहने के लिए। और साथ ही ये सेंटर पहले भी मुराम कला में चल रही है, वहाँ पर अब विधि पूर्वक यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है और अब से यहाँ पे चलेगी और सारी सुविधाएं दी जाएगी। और साथ ही अभी तक में यहाँ पर 28 ऐसे केसेस आ चुके हैं उत्पीड़न से संबंधित, जिनकी प्रॉब्लम को 25 ऐसे केस हैं जिनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया है और अभी 3 केस अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। और ये सारी सुविधाएं यहाँ के पीड़ित महिलाओं के लिए है और इसका सही मायने में आज हमारे रामगढ़ में इस तरह के केसेस देखे जाते हैं, जो कि कई सारी महिलाएं हैं जो पीड़ित होती हैं, इधर उधर भटकते रहती हैं, लेकिन ये चीज खुल जाने से उन लोगों को काफी सुविधाएं होंगी। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है